इस इलेक्शन में आप, जब हम वागुरा क्रेडिट कनेक्शन को लेकर बात करते हैं, क्या आप नया करोगे फॉर द पीपल? ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई। ये क्या राज की बात है सर? पेटेंट मैं क्यों बताऊंगा? फिर भी सर क्या? कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा सर, सीधे चलते हैं नौजवानों पर, क्योंकि जब बनेंगे झलक करेंगे। सीधे इस सवाल पर आएंगे बशर साहब, कई सारे लीडर्स का ये भी कहना है कि हम काफी ज्यादा डिसएम्पावर हो गए हैं, एमएलए बनने के बाद भी लिमिटेड पावर्स रहेंगे, ये बात किस हद तक सही है? आप देख रहे हैं तामिल अरशाद और मैं हूँ साहिल नजीर वाली। नाजरीन, इलेक्शन की सरगर्मियां जारी है जम्मू कश्मीर ड्यूटी को लेकर। हर एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल वर्कर अपनी अपनी कैंपेन में लगा हुआ है। नाजरीन, मजीद हमारे साथ मौजूद है बशर बुखारी साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और पॉलिटिकल ओवरऑल सिनेरियो पर इनकी काफी ज्यादा नजर रहती है। सीधे हम बात करेंगे बशर बुखारी साहब से। बशर बुखारी साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, आप जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितनी मजबूत है आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर? आपका शुक्रिया कि आपने इस लाइक समझा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमने कभी वादा किया ही नहीं जी। जैसे हमने पहला इलेक्शन लड़ा 2008 में हल्का इंतखाब संग्राम से जी, तो हमने कहीं कुछ नहीं कहा हम क्या करेंगे। हमने सिर्फ एक ही बात कह दी कि अब एतबार कीजिए, जो सामने आएगा कर लेंगे। और अल्लाह का करम है कि जब हम एमएलए हो गए उसके बाद हमने हर एतबार से काम किया। हालांकि मैं संग्रामा का पहला एमएलए था जो अपोजिशन में आया था, मेरे से पहले सारे सरकार में थे, यानी उनके पीछे अपने वजीर आला का हाथ था जी सर, मेरा वजीर आला नहीं था। लेकिन फिर भी हमने उस उन छह सालों में करीबन 302 करोड़ रुपए, यानी 3 अरब रुपए हमने हल्के इंतखाब में लाए। उसमें पीएचई स्कीम्स लाई, उसमें हमने सड़कें बनवाई, उसमें हमने स्कूल अपग्रेड कर लिए, उसमें रिसीविंग स्टेशन बनवाए, हॉस्पिटल्स को बेहतर कर दिया, बहुत सारे काम किए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने 2014 में फिर चुना। लेकिन उसमें खास बात थी वो ये, यूजुअली जब कोई एमएलए होता है उसका एंटी इनकम्बेंसी होता है तो वोट कम हो जाता है। Exactly. लेकिन हमारा 4,500 वोट 2008 से लेकर 14 तक बढ़ गया। इसका मतलब कि जिन लोगों ने मुझे वोट डाला जो पहले नहीं था, उन्होंने भी कोई चीज सोच के डाली होगी, इस शख्स ने कुछ किया। Exactly. उस एतबार से मैंने 14 में भी कोई वादा नहीं किया, नहीं किया। मैं आज भी कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में है कि अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, जैसे हम इस वक्त तिलगाम में है जी, अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी इंशाल्लाह, तो मेरे जहन में है कि तिलगाम में क्या क्या करना चाहिए, या फिर जो लोग बताएंगे क्या दिक्कत है वो भी करना। हाँ, उसी पॉइंट में मैं आऊंगा बशर साहब। जिस रोड से हम आए हैं, कई सारे लोगों का कहना है बशर बुखारी साहब ने रोड्स बनाए हैं, जो डेवलपमेंट को लेकर कई सारी चीजें हैं उनको बनाए। इस इलेक्शन में आप, जब हम वागुरा क्रेडिट कनेक्शन को लेकर बात करते हैं, क्या आप नया करोगे फॉर द पीपल? ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई। ये क्या राज की बात है सर? पेटेंट मैं क्यों बताऊंगा? फिर भी सर क्या? कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा सर, सीधे चलते हैं नौजवानों पर, क्योंकि जब बनेंगे झलक करेंगे। सर, नौजवानों की बात करते हैं, काफी ज्यादा बेरोजगारी है, उनके लिए क्या पॉलिसीज आपने रखी है? एक तो पार्टी का मंशूर जी, ठीक है, वो तो चलता ही रहता है। Exactly. उसमें सरकार का आना बड़ा जरूरी है। Sure, sir. आपका मंशूर तब का ये कामयाब होगा या करेंगे जब आप सरकार में आएंगे। सही बात। उसके अलावा फिर देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमने, मैं आपको जस्ट बताऊंगा मिसाल, जो हमने सड़कें बनवाई, ये सड़क हमने सिर्फ किसी के पैदल चलने के लिए नहीं बनाई। हमारा इसमें जो खाका था, जो हमने खींचा था, वो ये था कि इससे रोजगार बढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारी तापर की सड़क खत्म होती थी शेखपुरा में। Sure. इसी तरह से अगर हम क्रीडी से कलांतरा जाते थे तो हमारी सड़क खत्म होती थी डनमो में जी, उसके ऊपर कोई सड़क नहीं थी जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस शख्स को भी नॉर्थ कश्मीर से, बांडीपोरा से, कुपवाड़ा से, हंदवाड़ा से, बारामूला से, गुलमर्ग या बाबरीशी जाना था, वो यहाँ से नहीं, वो नारबल से आता था। सही बात है। बिकॉज यहाँ से सड़कें थी नहीं। अब आज की तारीख में देख लीजिए, आपका बराबर तापर से आपका सलाम दीदार तक, और वहां से हमने, जब मैं मिनिस्टर था तब वो मेरी जिम्मेदारी थी। Exactly. भारत माला में हमने गुलमर्ग, बाबा ऋषि, कलांतरा, बारामूला रोड बनवाया 80 करोड़ रुपए का। हालांकि वो 147 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन जब सरकार गई उन्होंने उसको घटा दिया जी। अब फिर मैं इस साल दिल्ली चला गया, कुछ दोस्त थे, मैंने उनको गुजारिश कर ली, आपने प्रोजेक्ट कम क्यों कर दिया। अब उसमें फिर से सर्वे हो गया, मेरे ख्याल से अब वो 4 लेन हाईवे बनेगा। Exactly. तो वो हाईवे बना के हमने नीचे जो सड़कें बना दी वो सारी कुशादा कर दी। पहले सड़कें बनवाई, पहले सड़कें नहीं थी, पहले नहीं थी, बाद में आपने बनवाई ही नहीं बल्कि कुशादा बनवाई जी। सीधे इस सवाल पर आएंगे बशर साहब, कई सारे लीडर्स का ये भी कहना है कि हम काफी ज्यादा डिसएम्पावर हो गए हैं, एमएलए बनने के बाद भी लिमिटेड पावर्स रहेंगे, ये बात किस हद तक सही है? सरकार को, सरकार एक बार से आप यूटी में है जी, वैसे भी पहली बार यूटी नाम ले रहा हूँ, अदरवाइज में
कभी लेकर, दैट इज द फैक्ट नाउअडेज नाउ, दिल नहीं करता, दिल नहीं करता, बट दैट इज, तो यूटी है उसमें क्या क्या पावर्स होंगे, बट आई डोंट फील कि एमएलए के पावर्स कम हो सकते हैं। एमएलए का जो रोल है कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने का, पैसे के अधिकार से आइडेंटिफाई करने का, वो तो बराबर है। हाँ, सरकार को बहुत दिक्कतें आएंगी और होपफुली मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। सर, लास्ट टाइम हमने देखा है इंजीनियर रशीद एक रैली में थे, सीधा उन्होंने कोसा है पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उसने ये कहा ये सिर्फ खानदानी राज चलाते हैं, डेवलपमेंट ये भूल गए हैं। इस हवाले से हम आपके रिएक्शन जानना चाहेंगे। उनके फर्जंद भी तो कैंपेन चला रहे हैं आज, आज तो चला रहे हैं, तो खानदान तो हो गया ना। उनके कहने का मतलब वो चलाते आए पिछले कई सालों से, भी चलाना शुरू कर दिया ना जी, तो फर्क क्या है? हमेशा बात वो कहनी चाहिए जो आप नहीं करते खुद। और रही बात दूसरी, कि लोगों को आप बहला सकते हैं एक बार, बार बार नहीं। उन्होंने एक बात सरीहन गलत कह दी उस दिन कि ये वोट से इसका इल्जाम खत्म हो जाएगा, ये रिहा हो जाएगा, तो फिर ये कोर्ट कचहरी या पुलिस या बहसो तमीज या वकील या जज या किस लिए फिर? Exactly. एक प्रोसेस है ना इसका, सही है। अब वोट दिया लोगों ने, वो तो छूटा नहीं, वो अलग बात है। पेरोल पे आज आप एक महीने निकलेंगे, कल फिर बंद हो गए, फिर निकलेंगे। सर सर, बहुत सारे लोगों का यह कहना है क्या इंजीनियर रशीद का जो उनके हक में वोट डाला गया है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो वोट जाया हो गया, किस हद तक ये मानते हैं आप, ये सही है या गलत है? आपने टोका ना, मैं वही कह रहा था। एग्जैक्टली, तो छूटा तो नहीं, इसका मतलब जो लोगों को कहा गया कि ये छूट जाएगा वो गलत था। हाँ। तो लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब उसने ओथ लिया, क्या किसी ने वो वीडियो देखा कहां पे ओथ लिया? मालूम ही नहीं किस कमरे में लिया। और जब उनको छोड़ा जाना चाहिए था हमारी नुमाइंदगी करने के लिए, क्योंकि हम, जब हम, मैं कहता हूँ हम मींस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बाणीपुरा डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट और बड़गाम की दो कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारा कोई नुमाइंदा है नहीं आज। और अगर ओथ लिया तो फिर छोड़ दो, हमारी नुमाइंदगी करेगा, छोड़ा वोट बांटने के लिए जी। अब अंदाजा करिए आप। और सबसे बड़ी बात, जिस इल्जाम में वो गिरफ्तार हुए हैं जी, मैं क्यों नहीं हुआ? आप पे तो इल्जाम नहीं थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही बात, तो उसको चाहिए रशीद साहब को कि लोगों को बताए जी कि मैं किस इल्जाम, वो किस इल्जाम में बंधे। अगर हिम्मत है तो बताए, नहीं तो फिर हम बता देंगे। सही, हम तो 10 बातें बता सकते हैं भाई, हम कानून के वजीर रहे, सरकार में रहे, हमें तो बहुत सारी बातें पता है। सही, वो हमारी शराबत है, हम नहीं बोलते हैं, हम क्यों किसी को जलील करें? सही बात, इट डजंट मीन कि हमें मालूम नहीं है। बस सब, एट द एंड आपका टाइम कीमती है। अदर कैंडिडेट्स भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, सफीना बेग जी और इरफान हफीज लोन और अदर पार्टीज के और भी कैंडिडेट्स हैं। क्या लगता है आपको, मुकाबला टफ है या आप कॉन्फिडेंट हो? नेवर सी मुकाबला टफ है कि नहीं जी, ये मेरा ओवरऑल में पार्टी के जितने इलेक्शंस लड़े गए पार्लियामेंट वगैरह, इसमें 11th इलेक्शन जो मैं लड़ रहा हूँ, अपना तो 3रा है। इलेक्शन होता है, इसमें टफ ऑफ कुछ नहीं होता है। टफ इन द सेंस कुछ लोग वहां जाते हैं, कुछ यहाँ आते हैं, चलता रहता है जनाब जी। इसमें ये होता है कि एक जीतता बाकी नहीं जीत पाते। मैं नहीं कहूंगा हारे, मैं हारना नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ एक जीतता बाकी नहीं जीतते जी। इसमें टफ वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये आप कंपेन करते हैं, वो भी कंपेन करते हैं, आपको हक है, उनको हक है, सबको हक है जी। फिर अल्टीमेट फैसला जो होता है लोगों का कि वो किसको चुने और चल बेहतर क्या होगा, और उसमें अल्लाह ताला की भी रजा होती है। जाहिर सी बात है, लोगों को इलाम आता है, लोगों का दिल बनता है किसी चीज के लिए, तो अल्लाह ताला की रजामंदी तो होती है ना जी। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की तारीख में मेरा जो मुकाबला है वो है झूठ के साथ, इमीडिएटली। एग्जैक्टली, इतना झूठ मेरे खिलाफ और इतना बोला जा रहा है। मिसाल के तौर पर जिस शख्स के सहन में तहसील है जी, वो कहता कुछ नहीं हुआ। जिस शख्स के सहन में रिसीविंग स्टेशन है वो कहता इसने कुछ किया ही नहीं। जिस शख्स के सहन में पीएचई का सब डिविजन है वो कहता जनाब बिल्कुल कुछ नहीं किया इसने। जिस शख्स के सहन में एडब्ल्यू इरीगेशन है वो कहता जनाब ये तो हुआ ही नहीं कुछ यहाँ पे। जो शख्स आज की तारीख में इसका क्या बोलते हैं, बर्फबारी में भी चप्पल में चलता है, जो पहले जूते लेके भी नहीं चल सकता था, वो कहते हैं जनाब कुछ हुआ ही नहीं। जिस शख्स के आंगन में गाड़ी जाती है, जो 3 किलोमीटर से अपना बोझ कांधे पे उठा के जाता था, आज गाड़ी आंगन में जाती है, वो कहता कुछ नहीं हुआ। अब इतना सारा झूठ का पलंदा जो है, हमारा पहला मुकाबला तो उसी के साथ है। एट द एंड वोट के हवाले से हम बात करेंगे, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना वोट कास्ट नहीं करते, इस हवाले से आपकी क्या मैसेज है लोगों को वोटिंग के लिहाज से? वोटिंग के लिहाज से मैसेज है कि आप वोट डालिए, बेहतर नुमाइंदे को चुन लीजिए। बिकॉज मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो ये मौसम है, सितंबर अक्टूबर आने वाला है जी, हम जाड़े की तरफ जा रहे हैं,
अभी आप देखिए धान की फसल काटी जा रही है, सेब उतारे जा रहे हैं, तो हम इस एतबार से हम खजान की तरफ जा रहे हैं, जाड़े की तरफ, खजान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए 1 अक्टूबर या कल 25 दिसंबर ये सियासी मौसम बहार है, ठीक है, इसमें बहार आने की तमन्ना है, तवक्को है। अब ये देखना है लोगों को कि फर्स्ट को जो वो बीज बोएंगे उसकी फसल आएगी 8 को जी या 25 को जी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या है, जैसे आज आप मार्च में बीज बोते हैं तो आप सितंबर अक्टूबर में फसल काटते हैं, सेब उतारते हैं, अगले साल फिर करते हैं। इसमें अगर बीज गलत हो गया, फसल गलत आ गई, ये 5 साल भुगतना है, तो 5 साल तक अभी बीज बो नहीं सकते। इसलिए मेरी गुजारिश सबसे है कि सही फैसला ले लीजिए, और जो हमारी हमारा हल्का इंतखाब है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उनसे भी गुजारिश है कि मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मैं काम करता हूँ हंसते खेलते विदाउट, जैसे मैं ना था, लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं हंसते खेलते काम करता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मेरे लिए 3 चीजें मेरी हर एक के लिए है, मेरे घर का दरवाजा खुला है, मेरे माथे पे शिकन नहीं है, मेरा कलम और कागज खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए वोट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह खिदमत करूंगा। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फार्मा ला मिनिस्टर बशारत बुखारी साहब, जिनका यही कहना है एक इंडिविजुअल को, एक वोटर को चाहे कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और अपने सही नुमाइंदे को चुने। तो नाज़रीन, आज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ थे बशारत बुखारी साहब, मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे सेगमेंट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।